सवाल है ये 2017 का ही सवाल है। अब यहाँ पे सिंपल सा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सन टेम्पल्स। अब यहाँ पे देखिए ओमकारेश्वर है, तो ओम से क्लियर है कि वो शिवा टेम्पल होगा, तो तीन तो नहीं होगा, तीन नहीं होगा तो डायरेक्टली आपका आंसर है। ये सिंपल कॉमन सेंस का वहाँ पे सवाल था। और ये जो है अरासावली, ये आपका आंध्र प्रदेश में सन टेम्पल है, और ओमकारेश्वर एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। 12 ज्योतिर्लिंग इस बार 2023 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीजन बिंग महाकालेश्वर वगैरह काफ़ी न्यूज़ में था। उसके अलावा लगे हाथ और भी देख लीजिए। अब इसमें 24th सवाल जो होता है, इसमें अब लॉजिक क्या है, देखिए अब ऑर्गेनिक एलईडीज के बारे में पूछा गया। अब साइंस एंड टेक का सवाल है, ऑर्गेनिक आपको पता होगा, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है ऑर्गेनिक होता है, एलईडीज पता है लाइट इमिटिंग डायोड्स है। बस ऑर्गेनिक एलईडी आप कभी सुने होंगे लेकिन उसके डिटेल के बारे में आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे, पढ़ना भी नहीं है। और इनफैक्ट अब तो काफ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मटेरियल में वो एलईडीज के बारे में कोचिंग मटेरियल इंक्लूड कर देते होंगे, क्योंकि रीजन बिंग 2017 में पूछा गया है। हाँ ठीक है, उनके बिहाफ पे वो नोबल इनिशिएटिव है, लेकिन जब 2017 में पूछा गया तो नहीं था वो। अब यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो उसमें बस आपको ये देखना है, देख के लगेगा कि ये छपा छपोड़ा स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिक एलईडी आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओएलईडी, ठीक है, ओवर एलसीडी। ओएलईडी डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, रोलिंग रोल अप डिस्प्लेस एम्बेडेड इन क्लॉथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडीज, ठीक है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडीज, ठीक है। अब इन सब में सब एडवांटेज अब कौन सही है कौन गलत है, अब इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई, अब साइंस के आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है ना, फिर भी अब ये सवाल अब बनाने के लिए ना आपको कहीं से छापना छपोड़ना पड़ेगा। तो ये छापा छपोड़ा सा सवाल है, कहीं से किसी क्वेश्चन सेटर ने, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उसको दिख गया होगा कि अच्छा ऑर्गेनिक एलईडीज के बारे में ही विकिपीडिया खोल लिया होगा और या कोई भी डॉक्यूमेंट खोल लिया होगा, उसके बारे में उसने वहाँ से छाप छपोड़ के बना दिया। बस आपको दिमाग ये रखना है कि दिमाग ये लगाना है आपको कि इसमें से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं हो कि कहीं कुछ टर्म स्वैप कर दे या फिर पॉजिटिव का नेगेटिव बना दे। अब जब क्वेश्चन सेटर कहीं से किसी बुक से स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट छाप दिया, उसमें अब तीनों में हो सकता है या तो किसी एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट कुछ चेंज कर दे, या तो पॉजिटिव का नेगेटिव बना दे, या कुछ फैक्ट स्वैप कर दे, जैसे जैनिज्म का बुद्धिज्म कर देते हैं और दो दो फैक्ट है तो एक फैक्ट को स्वैप कर देगा। जैसे 2016 में एस्ट्रोसैट का एक सवाल आया था, इसमें दो फैक्ट थे इसलिए गलत था, क्योंकि ठीक है एक भी फैक्ट इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इन तीनों स्टेटमेंट में देखेंगे कुछ ऐसा है नहीं कि और कैन बी तो प्रोबेबिलिस्टिक है तो सही है, कैन बी प्रोबेबिलिस्टिक है तो सही है, जो प्रोबेबिलिस्टिक होता है वो सही होता है और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है वही गलत होता है। आर पॉसिबल प्रोबेबिलिस्टिक है तो सही है, तो अब यहाँ पे तीनों सही है आपका, ठीक है। कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा है जहाँ पे कुछ स्वैपिंग हो गया है या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया गया, तो जो छापा छपोड़ा एज इट इज छाप दिया है। जनरली इसमें क्या होता है, यूपीएससी जब तीन स्टेटमेंट देती है छाप छपोड़ के, तो दो एज इट इज दे देगी या एक एज इट इज दे देगी और एक दो में कुछ ना कुछ स्वैपिंग करेगी। यहाँ पे किया नहीं गया था इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव है। कहाँ किया गया है वो आपको देखना है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कहीं कुछ स्वैपिंग किया गया है जान के, यूपीएससी ने छाप छपोड़ने के दरमियान कुछ स्वैपिंग करके उस स्टेटमेंट को गलत बनाया, अगर आप पहचान पा रहे हैं, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म वाले सवाल में पहचान पा रहे थे जो सर्वस्थिवादी वाला सवाल था कि अच्छा बुद्धिज्म को हटा के जैनिज्म कर दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है स्वैपिंग करने का या पॉजिटिव का नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने का या कुछ भी पलट खेर करने का, एज इट इज छापा गया है। कुछ स्कोप नहीं है कि छापने में कुछ गलत छाप दिया गया है, तो सब सही है और सब प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट है तो सारा सही होगा। तो जब आप किसी स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं ना कि वो गलत है, अगर नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं कि गलत है तो मान लीजिए कि वो सही है। तो ये दो चीज़ अब ये सवाल को डिस्कस किया, यहाँ पे ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ।